फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर ठगी की घटना को दिया अंजाम। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के डोलरी गांव निवासी फहीम ने एक फाइनेंस कंपनी से मोटर बाइक फाइनेंस कराई थी। माली हालत खराब होने के कारण वे 3 किस्त नहीं दे पाया। 8 अप्रैल को वे टोल टैक्स प्लाजा से होता हुआ अपने गांव डोलरी आ रहा था, तभी टोल टैक्स पर उसे 3 युवकों ने रोक लिया और कहा कि आपकी 3 किस्त जमा नहीं हुई है, इसलिए हम मोटरसाइकिल लेने आए हैं। इस पर फहीम ने तत्काल 1,325 रुपए अक्षत गोयल UPI ID पर स्थानांतरित किया तथा बाकी रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में उन तीनों युवकों को दे दिए। जब फहीम ने रुपए की रसीद उन तीनों युवकों से मांगी तो वो लड़ने पर अमादा हो गए और रसीद देने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रार्थी जब फाइनेंस कंपनी पहुंचा तो कंपनी से पता लगा कि उसकी कोई भी किस्त अभी जमा नहीं हुई है, जबकि खुद को फाइनेंस एजेंट बता रहे तीनों युवक उससे पूरी रकम ले चुके हैं। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को तहरीर दी है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम फहीम है। मेरी समस्या ये थी सर जी, मैंने गाड़ी निकाली थी बाइक किस्तों पे, फाइनेंस पे। अब मैं किस्तें देता रहा, 20,000 रुपये पहले जमा करे मैंने, उसके बाद में किस्तें देता रहा, उसके बाद में बीमार पड़ गया। इससे पहले मेरी बहुत हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में निकल कर आया, बैंक से फोन आया मेरे पास कि फहीम भाई किस्त जमा करो। मैं बैंक वालों से बोला मन की मैं ईद के बाद में किस्त जमा कर दूंगा, इस टाइम मेरे पास नहीं है, 3 किस्तें मेरे पास आपकी हैं। बोले चलो ठीक है। अब उसके बाद में ईद से पहले करीब 3 दिन पहले 8 तारीख का बाकी आई, 8 तारीख को मैं मुंडे की बाजार जा रहा था अपने बच्चों को लेकर। उसके बाद मुझे टोल टैक्स पकड़ लिया गया, टोल टैक्स पकड़ गया, मेरी गाड़ी भी छीन ली उन्होंने, चाबी वाबी सब निकाल ली। बोले आपके पास 3 किस्त है, आपका नाम फहीम है। मैंने कहा सर मेरा नाम फहीम है। बोले आपकी 3 किस्त है, आप किस्तें जमा करो पहले। तो मैंने कि सर मैंने तो कह दिया था। बोले नहीं, आज किस्तें जमा करो, तुम्हारी गाड़ी जा रही है। तो मेरे पास बच्चे थे, उन्होंने बच्चे ही वहीं बिठा ले टोल टैक्स पे और गाड़ी भी वहीं ले ली, मुझे अपनी स्कूटर लेकर घर गए। ये होंडा वालों की, ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी है? ना दो पहिया है। अब मैंने अपने यहाँ दलपतपुर ले गया, दलपतपुर ले जाके मैंने वहां से पैसे दिए, मैंने 10,157 रुपये नकद दिए ने, और कम पड़ गए पैसे। तो मेरे एक दोस्त है दलपतपुर रहने वाले, जिनका नाम ट्रैक्टर का काम करते हैं वो, अब वो जो मैं बोला भाई साहब तुम डाल दो, बोले ठीक है चलो हम डाले देते हैं, गाड़ी तो आप तुम्हारी। उन्होंने 1,325 रुपये अपने अकाउंट से डाले। अब उसके बाद में कोई बात नहीं, गाड़ी चलाते रहे, कुछ नहीं। अब मेरे पास फोन आता बैंक से, बोले फहीम भाई किस्त जमा नहीं करी तुमने, इसके बाद कह रहे थे भाई साहब मैंने तो इससे पहले किस्त जमा कर दी, मेरी गाड़ी पकड़ ली गई तुम्हारे लोगों ने, गाड़ी पकड़ ली मेरी, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ, मेरी गाड़ी नहीं दे रहे थे वो, मैंने तो किस्त दे दी। बोले नहीं आपकी कोई किस्त नहीं है। तो सर मेरे साथ ये दुर्घटना बनी है, इसलिए मुझे ये मजबूरी में आना पड़ा। आप कहाँ पे हैं? कप्तान साहब के पास आया हूँ मैं। क्या कहा कप्तान साहब ने? मतलब फाइल ले ली है, कह दिया तुम्हारी सुनवाई होगी। आप मेरे साथ क्या हूँ सर, मेरा ये काम होना चाहिए, मुझे बहुत लॉस है, मैं बीमार पैसे हूँ, बस मेरी बहुत हालत खराब है।